कटहल यानी जैकफ्रूट के उपवास के वड़े बनाने के लिए लेना है एक कप पका हुआ एकदम सॉफ्ट जैकफ्रूट का पल्प और आधा कप उबाल के मैश किया हुआ सॉफ्ट आलू। डालनी है 3 टेबलस्पून भुने हुए मूंगफली की पाउडर और 1/2 टेबलस्पून पीसा हुआ अदरक, 1 टीस्पून कूटी हुई हरी मिर्च और 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून सफेद नमक। डालना है 1/2 नींबू का रस और मुट्ठी भर कटी हुई ताजी धनिया। सारी चीजों को अच्छी तरह से मसल के मिलाना है ताकि मिक्सचर एकदम सॉफ्ट हो जाए और सारी चीजें एक दूसरे में घुल मिल जाए। थोड़ा सा मिक्सचर लेके उसके वड़े बनाने हैं और उन्हें जरा सा दबा के फ्लैट करना है। वड़े की बॉर्डर इस तरह से दबा के स्मूथ करनी है, नहीं तो तलते समय बॉर्डर से वड़े स्प्लिट हो जाएंगे। इस स्टेज में आप वड़ों को 2 या 3 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। यह है साबुदाने की पाउडर, लेकिन इसकी जगह आप राजगिरा या सिंगाड़े की पाउडर ले सकते हो। एक साइड में तेल गर्म होने के लिए रखती हूँ और तेल गर्म होने तक इन वड़ों को साबुदाने की पाउडर में रोल करती हूँ। ऐसे करने से तलते समय वड़े स्प्लिट नहीं होंगे और वड़ों का कवर क्रिस्प बनेगा। जब तक तेल गरम हो रहा है साबुदाने के पाउडर में रोल किए हुए वड़े पाउडर के बोल में ही रखती हूँ। और वड़ों को पाउडर में दूसरी बार रोल करना है तो वड़ों के ऊपर साबुदाने के पाउडर के 2 कोट लग जाएंगे। साबुदाने की पाउडर में रोल होने के बाद वड़े तुरंत तलने हैं। तेल में डालने के बाद वड़ों को मीडियम हीट पे ही तलना है। वड़ों के ऊपर इस तरह से तेल छिड़कना है और एक साइड से गोल्डन हो जाने के बाद ही इन्हें पलटना है। दोनों साइड से गोल्डन होने के बाद इन्हें एब्जॉर्बेंट किचन नैपकिन पे निकालना है और इन्हें गरम गरम ही सर्व करना है। उपवास के वड़े तल के तैयार है। आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ इन्हें सर्व कर सकते हैं। मैं इन्हें फ्रेश धनिया और नारियल के चटनी के साथ सर्व करूंगी। आवडल्यास यस लाईक जरूर करा आणि तुमची पोस्ट पावती वदा जरूर कळवा। कशी? व्हिडिओ खालच्या कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट लिहून आणि चॅनल सबस्क्राइब करा। चला तर मग भेटूयात एका नवीन रेसिपी सह पुढच्या आठवड्यात। तोपर्यंत गुड बाय अँड सी यू सून।